हरे कृष्णा राधे राधे एवरीवन। तो आज मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलाने जा रही हूँ। आज के ब्लॉग में मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से फर्स्ट टाइम आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, तो देखना आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा। और जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। हरे कृष्णा राधे राधे। आज की शुरुआत हाँ कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे पार्टी में। किसकी पार्टी में? बहुत शर्मा गई। मैं बताती हूँ, हम जा रहे हैं मेरी स्कूल फ्रेंड की भतीजी के फंक्शन में, है ना। राधे राधे जय श्री कृष्णा। तो मैं और मेरी बुआ रेडी है। बुआ ने ऑरेंज ये पहना है, हरमन ने ऑरेंज ये। मैं इसको तो निकाल दूंगी, बुआ भी इसको निकाल देंगी, और बुआ ने साथ में रख लिया चुन्नी। और दोनों के सूट का कलर देखो, मैचिंग मैचिंग। बुआ भतीजी दोनों मैचिंग मैचिंग है। शाल भी हाई और कहीं मना ऑरेंज ऑरेंज। तो अब हम जा रहे हैं राधे राधे अभी तक के लिए, और वहां पे जाके आप लोग को औरों से सबसे मिलवाती हूँ। हरे कृष्णा। मेरा फोन की बुआ ये ले लिया गिफ्ट। देखा ये गिफ्ट तो बहुत बढ़िया। देख अभी दिखाते हो बुआ, सुथरा लेकर आ रही हो। देखिए कलर भी पसंद आओगे। अरे कितना सॉफ्ट है गाइज, ये लेके आई हूँ। और इसके साथ कैप भी है, और ये पॉम पॉम है जो कि बहुत क्यूट लग रहा है। दो कान है और साथ में लेगिंग है। बताना कैसा है, बहुत प्यारा है। बुआई साथ कर मेरे थी भी हो ना, मैं तो ली हूँ। कितना सॉफ्ट है, मुलायम कितना है, बहुत सुंदर। नाम नूम तक इतना लिखा है ना, मैं वो बता दूंगी। वहां मेरे ब्लॉग में देख लिया, इतने पा जाएगा। हरे कृष्णा। तो मैं और बुआ पहुंच चुके हैं। चलो बुआ, और ये है वाटिका। आजा बहू रेंता, आजा एक बार दिखा दे, देख लो हम कैसे लग रहे हैं। बुआ ने उतार दिया शॉल और मैंने भी उतार दी जैकेट, और अब हम जाएंगे अंदर। मुंह में तो धुआं कड्डा है, थोड़ा थोड़ा जाडा हो रहा है। और ये कर लिया मैं एंट्री। देख लो भाई, यह एंट्री है। हरियो सैफरन गार्डन कर रखा है बैग, और देख लो बुआ ने पूरा स्टाइल मंगा लिया बैग। यह वाटिका कर रखी है भाई, वो बढ़िया है। यह कुलवंत की वाटिका है, हमारे MLA है उसकी यह वाटिका है। चलो भाई अपनी सहेली से मिलवाती हूँ। इतने जल्दी आने की क्या जरूरत थी? पता है कितनी गई थी आज मैं, बुआ बताइए कितनी, मतलब आधे घंटे पहले मैं घर आई थी। आज पूरा दिन मैं बाहर थी। देख लो भाई, यह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। या मेरे पास बेस्ट फ्रेंड है, अरिया जीजू है, अरिया की औलाद है। कभी दुखी रख है यो, मेरे फोन ना काटा कर। हां बेटा तू मेरे फोन ने क्यों काटा बता। यो है वो, मैं अपनी फ्रेंड द्वारा फोन करूंगी ना, जब वो फोन ना काट देगा। ये अपने पापा पीछे लुक रहा है, ये मेरी फ्रेंड और फोटो दिखा रहा है। या मेरी फ्रेंड की भाभी है अरिया। ये बताऊं ही भाई घर आई थी, अरिया है गीता पूजा की बड़ी सिस्टर, और बढ़िया लगा वे। और देख हम लोग ना यार कर रही है, देखा कर है, और सब तो भेजिए भी देख ले, दिखा दे मेरे पैर ले ले व्लॉग भाई। या मिकू है, मिकू भी हेलो कर दो भाई। हेलो क्यूट सी बेबी भी दिखा देते हैं भाई। और ये वो हम कुछ खावा पीवेंगे, और ये फोटोग्राफर आ रही है, और बाकी जो भी कुछ होगा खाना वाना सब कुछ दिखाते हैं। राम का है बुआ, जा रहा है जान के अंदर, मतलब मैं भूल जाओ नहीं है ना जानती कोई दुकान है। हां अच्छा, कल आया था तो छोटे छोटे थे, पहली बार आया करते जो छोटे छोटे थे ना, जब हम जाया करते आयो और देखो मनर बुआ ने दोनों वाला सेम सेम पहन रखा है। बुआ बढ़िया लग रहा है। टिक्की खाने जी कर रहा हो तो किसी का टिक्की है, दही बल्ले सारी चीज दिखा दो। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। हम शुरुआत करेंगे अपनी टिक्की। बुआ ने शुरुआत करी है टिक्की से, वही दूसरा आइटम भी ले लिया हमने, और हम खा रहे हैं चिल्ले। किस किस को पसंद है चिल्ले? मुझे पसंद है चिल्ले। बुआ ने कही है इनका खाना एक नंबर का है, खाना सच में टेस्टी है। हम अपने ड्रेसिंग के मैचिंग का एक नंबर का खाना है। और ये हमारी दोनों बुआ का प्लेट है, सब्जी है और एक रोटी है, बाकी कुछ होगा तो बाद में ले लेंगे। क्या नाम है आपका? रक्षिका।
कैसे लग रहे हो? तो भाई सब कुछ खा लिया है और एकदम पैक हो गए हैं मैं और बुआ। अरे ज्यादा लग गया था, हम पियेंगे कॉफी आइसक्रीम पाइसक्रीम सब कुछ है, लेकिन हमने तो अवॉइड कर दी। मेरा तो खांसी हो रही है, तो इतना दगड़ा खराब है, फिर मैं बिना खाती और बुआ तो खावा ही नहीं आइसक्रीम। कॉफी पी कर फिर जाएंगे अपने घर की कैन। मैं जा हूँ और मैंने मिल गया है मिठाई का डिब्बा और अब हम चल पड़े अपने घर की तरफ। बाय बाय बाय। खाना सच में बहुत बढ़िया, खाना सच में बहुत बढ़िया। मेरी बुआ तो ये चीज खाया भी ना करे, मेरी बुआ ने मैं बोली मुझे थोड़ी सी टिक्की चाख ले है, फिर बुआ बोली ये तो बढ़िया है। अरे कहां हो रहा है क्या? थोड़ा अरे दिखा दे डिब्बा के, दिखा दे। अरे गणी चल रहा था दीपक, दिखाइए खड़ा भी ले रहा था हमारा। कोई सब्सक्राइब कर लो, बतली भाई का ना कोई ना पाड़ा भाई, मैं पिस्टल रखो पण दोरे। अच्छा ओ कोई कड़ा ना काट ले भाई, पिस्तौल रखे है। बाय बाय बेटा, लव यू बाय। तो अब हम जा रहे हैं, दीपक के भाई का कड़ा देख लिया होगा, गले में देख लिया होगा, अरे कोई काटन की सोच मना लियो, पिस्टल रखा है गल। मना गलती था, दीपक का भाई कह दिया, पूजा का भाई दीपक। अरे हम चल पड़े हैं, डांस तो कर नहीं पाए हैं क्योंकि बहुत लेट आए थे हम, काफी के जहाँ घर की तरफ। तो अब हम चल दिए घर की तरफ, जैकेट जुकेट पहन के और मैं बुआ निकल लेंगे। ठीक है तू तो? ए मनु कौन थी? हम तो नरे हंस लग रहे, बुआ ने ना आज इतनी बात बताई, इतनी बात बताई है, के बताऊं? बता बुआ ये आड़ी बता दे पहले इनते। कौन सी? जो ईब वाली गोदाम वाली भाई, कांग्रेस की है ना, कांग्रेसी के एक उम्मीदवार के घर में 300-3000 करोड़ रुपये पाए हैं। बतावा होला और बुआ ने बोली कती बावला है मारे, मारा इतना बड़ा होल धरा, थोड़े हो मधर जा बुआ, तो किसी ने बड़न भी ना दे। सारे उल्टे दे देती, मैं तो कती नहीं रखती, अपनी मर्जी तो वो कुछ, अपनी मर्जी तो वो कुछ देता। ये देख लो जिस जिसके घर में इतना धन है, पहला है बताओ है मेरी बुआ का गोदाम है। देखो मेरा कमरा वैसे छोटा हो, मैं पूरे कमरे में धर दूंगी, फरस बिछवा दूंगी, छात बनवा दूंगी ना टाकी। किसने नहीं लेने देंगे, किसने नहीं लेने दे, हो तो जरूर बताइयो। मान जा ना यहाँ बुआ, एक बार बात बताइए, पहला ब्याह मजाया करते? पहला ब्याह मजाया करते ना, तो पहले आज के ब्याह में ना इतना खाना था, मैं बुआ तो बोली बुआ पहला तो है ना जुकर कॉफी काफी आ जाया करती, मारे टाइम की बात है, तो दीपक के ब्याह में कॉफी काफी थी दोनों साइड आते हैं, तो हम यह बात कर रहे थे, मैं पहला के ब्याह में कॉफी पाया करती ना, तेन क्या करते वाह भाई कॉफी है, तो फिर बुआ बताने लगी ये वो तो कुछ भी टाइम ना था। असली टाइम था बुआ के था, विवेश का ब्याह था की का बताऊं थी मैं, हाँ पवन का, शब्दत के पवन का ब्याह था, तो दादी बोली चलो ये रोटी खा खाऊंगे, मकान ना मैं ना जाती, मां मेरा जी ना करता, पहला होया क्या करता, एक आलू की सब्जी और पेठे की सब्जी पूरी आलू मटर की सब्जी, हाँ बस ये चीज होया करती, मगर ना मैं ना जाती, मैं तो घर आई रोटी खाऊंगी, तेरा काका बोलिया छोले चावल बने रहे मैं लिया तो चल ला। बुआ छोले चावल के नाम पर चाल पड़ी थी। और इसे थे हम 10-11 साल के, 12 के होंगे बस छोटे थे, फिर उन्हें तो चावल छोले लगो दिए, चावल छोले लगो दिए खाट के नीचे। फिर दादी बोली ये हमारे तो छोरिया छोले चावल की मारी आई थी, वे दमो तो ना लको दिए, बोली तो छोरी छोरी तो दूंगी और किसे तो नहीं दूंगी, बोली तू किसे तो मत दे, मेरी छोरी तो दे दे, मेरी लाडो तो जब वो ले आई गाल के मैं तो खा छोले चावल काटे, बड़ी मुश्किल था बेटी, खा ले मीन छुप कर खा ले, कहीं कोई और ना ले ले, कदे और कोई मांगे बेटी पाछे मुंह कर ले, लाडू वाली कहानी बताइए बुआ, लाडू वाली यो कलवंत का कलवंत है ना, हाँ ईसा का ताऊ था, ये ताऊ की छोरी का ब्याह था, तो तेरी दादी ने खेत में तो लियाई बुला के वाकर खेत में, दादी काम करे थी खेत में, तो लियाई बुला के चाह पानी लेना,
चाह पानी पी के आ करते पहला छोरी के ब्याह में बुलाना आया करते दो पारी में के पहला चाह पानी पियो बरात तो पहला चाह पानी तो खेत में तो लिया बुला के लामनी करे थी और दो पकोड़े दिए अरे एक लाडू दिए और नानू बोलिया मैं तो दो लाडू लूंगा मामी उन्हें कही उसकी बाण थी सीता की ए मौसी ये छोरे ने दो लाडू दे दिन बोली वो बाण जा रहता है ना वो ने बोली ना बेबे एक का मैं लगा मेरे तो एक की एक है रखी है और नानू तो रोने लग गया बोला दो लूंगा बड़ी मुश्किल बोली दो पकोड़े दे देंगे दो लाडू नहीं दे दो पकोड़े दे देंगे दो लाडू नहीं देंगे फिर वाह फिर दादी ले आई उसने सीता ने बुला के ए बरका की खेत में तो ले आई बुला के अरे बालका न रवाओ क्यों बुलाओ थे तुम जब उन्हें कही जी जी इस तक एक लाडू और देना पड़ेगा इस बाण जेता जब वो तो एक लाडू दिया और जब उन्हें वाचा फिर जब खा का हम आए मैं तो खर खाया नहीं करती पहला भी इसे खाया करती पर मारा ना नूला डुआ छे खाया करता देखा देखा क्या स्टोरी थी भाई आजकल तो इतनी चीज हो जहाँ ब्याह मैं खाई नहीं जानती और थोड़ा थोड़ा खा का पहला के आदमी तो खाया भी बहुत करते एक एक रुकर एक टिक्की ली हूँ मैं दोनों आने खाई और वो एक तीन छोटी छोटी टिक्की थी लेकिन खाना बहुत स्वाद था आधा गोलगप्पा खा खाई बुआ ना दार मैंने फिर टेस्ट कर लिया पानी में का थोड़ा चरचरा मुँह हो जाएगा पानी स्वाद था खाना सारा वैसे बहुत बढ़िया था बहुत बढ़िया था सारी चीज बढ़िया थी बुआ ने तो एक आध चीज जो बुआ कदे ना खाया करती बुआ बोली चला चाक कर देखती हूँ पर बुआ ने बहुत स्वाद लगी एक तो चाउमीन आज पहली बार खाई बुआ शादी की चाउमीन कभी भी नहीं खाती अरे वो क्या था पाव भाजी वाह तो मन कती जिंदगी में पहली बार नहीं सुखी बनू का मम्मी थोड़ी सी खा कर देख मम्मी थोड़ी ना मन कती अच्छी नहीं लगती पर आज खाई बहुत स्वाद लगी बुआ तो पहली बार पिज्जा मन खवाया बुआ तो पहली बार मोमोज मन खवाए बुआ तो पहली बार यो के नाम इसका पाव भाजी तो भाई चाउमीन तो खाओ मतलब बाहर की खा ले शादियां भी ना खाया करती बुआ मैं कदे नहीं खा करू ना गोलगप्पे खाया करू और ना चाउमीन खाया करू बुआ खाली शादी में जाकर मैं इसी रोटी खाया करे और सब्जी बस और कुछ नहीं खाया करे लेकिन आज बुआ ने ये स्नैक्स भी ट्राई करे और बुआ के वैसे फेवरेट है फ्रेंच फ्राइज फिंगर चिप्स तो वो भी खा खाए है हम बहुत सारी चीजें खा ली आके एक एक ताता ताता गिलास दूध पी लिया मजा सा आ गया बुआ ने पी ली चाय और बुआ ने कर ली सोने की तैयारी और मैं भी अपने मुंह धोका हूँ और फिर सोऊंगी मैं भी ओके बाय राधे राधे हरे कृष्णा जिसने आज इतना ब्लॉग देखा है बहुत बहुत थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और जल्दी नए नए और भी ब्लॉग्स आने वाले हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा राधे राधे हरे कृष्णा बाय जय श्री राम।